उर्दू व्लॉग जर्मनी में आप लोगों को खुशामदीद। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सारे लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आ जाओ जी, सारे शादी में जा रही हूँ मैं, मेरे साथ साथ चलो। और ये जनाब आप खूबसूरत सा जो हॉल देख रहे हैं, यहाँ अब हम एंटर हो रहे हैं। और एक शादी में मैंने जाना था और मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ लेके चलती हूँ तो यकीनन आपको अच्छा लगेगा। कुछ अर्सा पहले मैंने एक वलीमा रिसेप्शन की वीडियो शेयर की थी जो सब ने बहुत पसंद की और सबको बहुत पसंद आई। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आज हमें शादी में जाना है तो आप लोग भी साथ चलें और देखें कि जर्मनी में शादी हॉल कैसे होते हैं, यहाँ की शादियाँ कैसी होती हैं। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। बड़ा खूबसूरत हॉल था, बहुत ही प्यारा, और कलर स्कीम इसकी वाइट थी, यानी कि इसका फर्श से लेके और इसकी छत तक सब वाइट था, सारा कुछ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी शादी थी। तो मैं अमूमन टाइम पे ही पहुँच जाती हूँ और उस वक्त तक इतने लोग नहीं आए थे तो मुझे ये होता है कि अगर मैं थोड़े से वीडियो क्लिप बना लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जब हॉल में ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर वीडियो नहीं बनाई जा सकती और बग़ैर इजाज़त किसी को वीडियो में लेना भी मुनासिब नहीं होता है। तो देखभाल के वीडियो बनानी पड़ती है और उन्हीं को लोगों को थोड़ा बहुत मैं दिखा देती हूँ कि जो इजाज़त दे देते हैं। तो यहाँ पर बस हम लोग पहुँच गए थे, मैं अपनी अम्मी के साथ बैठी हुई हूँ, मैं और अम्मी, और हम लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं ये मुझे याद नहीं है कि इस वक्त किस टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है। बहरहाल मज़ा आ रहा था, सबको अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की तरह हर मतलब वीकेंड पे या जल्दी जल्दी शादियाँ और वलीमे और इस तरह की तकरीबात नहीं होती हैं। तो जब भी कोई शादी का इनविटेशन आता है, कोई ऐसी तकरीब आ रही होती है तो बहुत खुश होते हैं सब, तो क्योंकि ये एक मिलने जुलने का बहाना हो जाता है, थोड़ी सी मतलब एक हट के ज़िंदगी में कोई चीज़ आती है तो सबको बहुत अच्छा लगता है, सब भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं, जाते हैं और उस फंक्शन को कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ भी यही हुआ कि बहुत अरसे बाद एक बच्ची की शादी का कार्ड आया तो सब बहुत खुश हो गए, खिल गए और सब ने भरपूर शिरकत की। और यकीन जाने हमें भी बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर जाकर। और यहाँ पर देखें अब ये आना जाना आना शुरू हो गए हैं, मेहमान आ रहे हैं और हल्के हल्के लोग आ रहे थे। इत्तेफाक से मैं जो थी ज़रा टाइम पे ही पहुंच गई थी, तो मगर मुझे ये मौका मिल गया कि मैंने कहा आप लोगों को मैं हॉल दिखा देती हूँ, क्योंकि किसी ने पूछा था कि यहाँ शादी हॉल कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, पाकिस्तान की तरह होते हैं या डिफरेंट होते हैं। तो भाई आप लोग देख लें, भरपूर तरीके से ये स्टेज बना हुआ है और ये शादी हॉल है। अमूमन शादी हॉल यहाँ ऐसे ही होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। पहले जो थे, आज से कुछ अर्सा पहले, इतने बड़े नहीं होते थे, छोटे हॉल मिलते थे, मगर अब क्योंकि कम्युनिटी बहुत हो गई है, अफ़गानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी, इंडियंस, तो सारे ही कम्युनिटी के लोग बहुत हैं, तो अब जब शादी ब्याह होता है तो ज़ाहिर एक बड़ा हॉल चाहिए होता है, तो उसकी वजह से अब हॉल्स जो हैं वो बड़े भी मिल जाते हैं। अगर आपके अफराद कम है तो आप छोटे हॉल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इनकी कुछ डेकोरेशन वगैरह की गई थी, आप लोग देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत ही एलिगेंट। और खाने का भी किसी ने पूछा था, तो खाने का ये होता है सिलसिला के जो हॉल्स होते हैं अमूमन वहाँ पर कुक भी होते हैं, तो कहीं पाकिस्तानी कुक होते हैं जो बड़ा अच्छा पाकिस्तानी खाना बनाते हैं, कहीं अफ़गानी कुक होते हैं वो भी बहुत अच्छा पाकिस्तानी खाना बनाते हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि लोग किसी ख़ास बंदे से, किसी ख़ास कुक से पकवाना चाहते हैं तो फिर वहाँ से भी ऑर्डर करवा लेते हैं, तो इसी तरह का सिलसिला होता है। बहुत ही अच्छा देसी फूड, बहुत अच्छे सारे खाने वही मिलते हैं जैसे कि पाकिस्तान में होते हैं, मगर इस वीडियो में मैं आप लोगों को खाना नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि खाने के टाइम पे आप समझ सकते हैं कि बंदा खाना खाए या वीडियो बनाए, तो मैंने खाने की वीडियो नहीं बनाई थी। बड़ा मज़ा आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं जनाब, टोलियाँ खड़ी हुई हैं, बातें हो रही हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, फ़ोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं, वीडियो बन रही है। और शादी ब्याह में एक चीज़ जो बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मुलाकात हो जाती है जिनसे आप जल्दी जल्दी नहीं मिल पाते, तो शादी ब्याह में ये होता है कि सभी जमा होते हैं और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, ख़ासतौर पर उन लोगों से कि जिनसे हम जल्दी जल्दी नहीं मिलते हैं। बहरहाल अब यहाँ पर जो है बस मेहमान आ गए थे, अभी बारात भी नहीं आई है और हल्के हल्के लोग आ रहे थे, और दूल्हा दुल्हन भी बहुत प्यारे थे और बहुत खूबसूरत दुल्हन लग रही थी माशाल्लाह से। आप लोग जो है, मैंने दूल्हा दुल्हन को दिखाया तो नहीं है, मगर आप लोग उनके लिए ज़रूर गुड विशेस और अच्छी सी दुआ ज़रूर कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे, सलामत रखे और हमेशा खुशियों के झूले झूलते रहें वो।
तो बस यहाँ पर अच्छा मैंने यहाँ पर वीडियो का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था, वीडियोग्राफर फोटोग्राफर ये जो खड़े हैं सामने बेहतरीन वीडियोग्राफर और बेहतरीन फोटोग्राफर हैं, और अगर किसी को इनका लिंक चाहिए है, किसी ने इनसे बनवानी है अपनी फंक्शन की वीडियो, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इनका जो है वो नंबर वगैरह आपको दे दूँगी। अगर मुझे मिला तो मैं इंस्टाग्राम आईडी भी इनकी ऐड कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ चेक कर सकती हैं। लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो और ज़रूर बताइएगा, और अपने कमेंट ज़रूर दिया कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दिया कीजिए, और उसके बाद रुखसती का सीन है, और उसके बाद फिर आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। तेरे लाडो पर दे सड़ हो।